कर रहे हो भैया? आप खुश तो है ना? पता है डब्बू, जब लाइफ में कुछ खो जाता है ना, उसके बाद हमें उसका असली मोल पता चलता है। होली मुबारक। अरे होली मुबारक हो, होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। अरे पियो पियो, अमृत का प्याला पियो जी, प्याला पियो जी, पियो। साधना माँ, मीतू, अपूर्वा, बरखा, अरे सब लोग आ जाओ सब लोग। हाँ, एक बार जम के जरा हो जाए होली। अरे बजाओ भैया, बजाओ। होली का त्योहार बड़ा बहुरूपिया त्योहार है। लोगों के चेहरे ऐसे बदल जाते हैं, लगता है सब बाप बेटे हैं। सही कह रहे हैं अंकल आप, बिल्कुल सही। अब ये देखिए, ये ढोल वाला और मैं ऐसे लग रहे हैं जैसे आप ही के बेटे हो। नरेश बेटा, रंगों के भुलावे में एक बात का ध्यान रखना, किसी दूसरी लड़की का हाथ मत पकड़ लेना, हैं? नहीं तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बेटी की शादी मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी की शादी सबको मुबारक हो। अरे होली मुबारक हो। मुझे भी अपना बेटा समझ के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे जीते रहो, जीते रहो, जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो, खूब तरक्की करो। लगते तो लायक बेटे हो, वरना आजकल के बेटे तो अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ नरेश, मैं क्या कह रहा था, वो किसी दूसरी लड़की का हाथ मत पकड़ लेना,
नहीं तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। पर एक बात बताओ, ये क्या बोरिंग सी होली है? ना कोई नाच हो रहा है, ना कोई गाना हो रहा है। हाँ अभी 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 नरेश बेटा चलो एक गाना हो जाए। नहीं प्लीज नरेश, और वो भी अपने पुराने गाने गाएगा तो नहीं, हम किसी नए तड़कते भड़कते गाने पे डांस करेंगे। अच्छा हाँ तो हाँ कैसे? मैं दिखाती हूँ। ये क्या करने वाली ये लड़की है? आशीर्वाद तो ले लिया, दादी का आशीर्वाद नहीं लेगा? जीता ना बेटा, जिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो कैसा है मेरा बेटा? दादी मैं ठीक हूं। क्या बात है भारत बेटा, तो कोई मुसीबत में है क्या? आप मुझे बुला रही थी? हाँ बेटा, भरत हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या हुआ भैया? दादी मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, सोचा था जैसे ही काम मिलेगा वापस लौटा दूंगा, लेकिन मैं नहीं लौटा पाया। जब काम मिला भी तो अपना खर्चा मुश्किल हो पाता था, कभी इतना आया ही नहीं कि मैं अब वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे। कितने पैसे लिए थे? 25,000। 25,000? अरे इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं। और महेश वो तो जानता है ना, मैं उसकी नौकरी छूट गई थी, अभी तो लगी है दोबारा। मैं पापा से पैसे मांगना भी नहीं चाहता दादी। काश मेरे पास होते। मैं जानता था दादी मुझे यहाँ से कोई मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ के। खैर कोई बात नहीं,
मैं चलता हूँ दादी, लेकिन आप प्लीज मम्मी से कुछ मत बताइएगा। ये भी नहीं कि मैं यहाँ आया था, वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगी और पापा को शक हो जाएगा। तू फिक्र मत कर बेटा, वाहेगुरु तेरी रक्षा करेंगे, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। नहीं दादी, जो बेवकूफी मैंने की है उसका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, देखा जाएगा चाहे अब कुछ भी हो। नहीं भैया, आपको कुछ भुगतने की जरूरत नहीं। 25,000 का बंदोबस्त मैं करूंगी। अरे तू 25,000 रुपए ले कहां से लाएगी, कैसे लाएगी? पता नहीं है दादी, पर हो जाएगा। लेकिन लेकिन आप चिंता मत कीजिए भैया, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। बस आप शाम को मुझे फोन कीजिएगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। कितनी बड़ी हो गई है डब्बू, कितना बदल गई है। जिंदगी सबको बदल देती है भरत, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर बदलाव सब में आता है। नहीं तू जाना, मुझे नहीं इसे दादी लेके जाए ना। चल आ दादी। वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे। आप चिंता मत कीजिए भैया, पैसों का बंदोबस्त मैं कर दूंगी। आप ना मुझे शाम को फोन कीजिएगा। भरत भैया से मैंने वादा तो कर दिया, वादा तो कर दिया, 25,000 इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कैसे? अरे बाकी सब तो वहां डांस कर रहे हैं। वो मुझे नहीं डांस कराना, इसीलिए नहीं करना है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी बीवी किसी के सामने डांस नहीं करेगी। शी वोंट डांस विद एनीवन। मार दूं मैं मार, देखता हूँ कौन छूता है मेरी बीवी को। रोको रोको, सब रोको। है कोई जो मेरी बीवी के साथ डांस कर सके? है कोई मर्द का बच्चा? Is there any man left on this? अभी बताता हूं। नरेश, नरेश, अभी बताता हूं। नरेश, खाना खाना खाएंगे, चलिए। अरे हम अकेले थोड़े खाएंगे, सभी खाएंगे ना। हाँ चलो चलो खाना खाने चलते हैं सभी। आज ना छोड़ेंगे हम एक भी पूरी, खाएंगे हम सब पूरी। अरे होली है, अब खाना खाने। अरे अकेले अकेले कैसे खाएंगे, दामाद जी को तो आने दो। कहाँ है? लो आ गए दामाद जी, आइए आइए। अरे अगर हमने अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया तो सारी की सारी पूरियां खत्म हो जाएंगी। कोई बात नहीं अंकल जी, मम्मी जी और पूरियां बना देंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ हाँ हाँ।
खुली आंखों से सपना देख रही हूँ। काम था जिया? नहीं, मैं तो वो खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी। अरे नरेश बेटा, तुम अपने ससुर को जानते नहीं हो। राहुल केला का पूरी चैंपियन था मैं। अच्छा? हाँ, अरे बनाने वाले पूरी बनाते बनाते थक जाते थे, लेकिन मैं खाते खाते नहीं थकता था। चलो क्या बोलते हो जाए मुकाबला, पूरी खाने का, पूरी कंपटीशन? तो फिर हो जाए। हाँ, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। अरे अरे महेश, क्या कर रहा है बेटा? बीजी बीजी, ये ना भांग पीकर फिर से पूरी प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कर रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है महेश। बेटा तुझे याद है ना पिछले साल क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अभी ससुर और दामाद के बीच का पहला मुकाबला है, द फर्स्ट कंपटीशन। अभी कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ तो मुकाबला हो, मुकाबला हो, मुकाबला हो। शुरू करो। अरे जीत गया महेश सबरवाल, जीत गया। माँ माँ देखो, जीत गया महेश सबरवाल, जीत गया। चलो अब हम खाना खाते हैं। इसके बाद खाना? हाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हो गया। चलो 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 बेटा नरेश, उठो उठो। चलो, ये देखो, ये देखो आज की जवान पीढ़ी। न दम है न जिगर। चलो 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 चलो। देख के उठ रहा हूँ, देख के उठ रहा हूँ। सब दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है। बल्कि आज तो मुझे वो भी दिखा था। कौन दिखा था? अरे वही तुम्हारा नालायक और खुदगर्ज बेटा। क्या भरत? नहीं नहीं, आपने भांग पी लिए ना, फिर नशे में आ गए। हाँ नशे में हूँ, परंधा नहीं हूँ। सब दिखता है मुझे, मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था, मतलब देखा था। मैं जानता हूँ क्यों आया था, अपने बाप से पैसे लेने, बस सिर्फ इसीलिए उसे बाप की जरूरत पड़ती है। चोक की तरह खून से चिपक जाता है, क्या करेगा, पैसे लेकर चल जाएगा बस। बेशरम धोखेबाज, कहीं का कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? कोई इस तरह घुसता अपने खून को? आप ही की तो औलाद है वो। अरे कोई कोई मुसीबत आ गई तो? आने दो, अच्छा है, आने दो मुसीबत। हमेशा सारी तकलीफ हम ही झेले। अरे उससे भी तो थोड़ी तकलीफ होने दो।
इतना। तुम लोग जा रहे हो, खाना तो खा लेते। खाना? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से सबको थैंक यू बोल देना, ओके? हाँ जी, बाय जिया। बाय बाय। यहाँ से मुझे पता है आपका अबू भैया के साथ चक्कर चल रहा है। बहुत अच्छे लगते हैं ना वो आपको? ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। तुझे पता है ना मेरी शादी नरेश के साथ हो रही है। फिर हाँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना मैं मिसेज मेहता बनने वाली हूँ, और कुछ नहीं। Let's... ले होले रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हमें हमें ले चलो, हमें हमारे घर ले चलो, घर ले चलो मुझे रिक्शा। अगर मैं नरेश जी से भरत भैया के लिए पैसे उधार ले लो तो? मेरे पास क्या फालतू के पैसे हैं तुझे देने को? है 35 मतलब 35, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। ऐसा नहीं होता सेठ, जो मीटर आएगा ना वो तो आपको देना ही पड़ेगा। कैसे नहीं होता? तूने क्या ये मीटर में सेटिंग वेटिंग कर रखी है? अच्छा चलो जाने दो, त्योहार के दिन दिमाग की दही मत करो, जो होगा ना वो दे देना। रुको 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 जिया जी, रुको, सुनो, इसे 35 रुपए दे दो, और हाँ ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। अभी तक पैसों का इंतजाम ही नहीं हो पाया, किससे पूछूं मैं, किससे? अगर भरत भैया का फोन आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? छोड़ रही हूँ, अगर तनख्वाह ही नहीं होगी तो मैं तुम्हें कर्जा कैसे चुका पाऊंगी? हेलो टब्बू, टब्बू प्लीज मेरी मदद कर, टब्बू टब्बू ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। टब्बू अगर आज मैंने इनके पैसे वापस नहीं किए तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। टब्बू
प्लीज प्रभु कुछ कर। अगर आज मैंने इनके पैसे वापस नहीं दिए, इनके पैसे वापस नहीं दिए, इनके पैसे वापस, तो ये लोग मुझे बाहर डालेंगे। जब लोग मुझे बाहर डालेंगे, जब लोग मुझे बाहर डालेंगे। भरत भैया का फोन आया था और वो कह रहे थे उन्होंने कुछ लोगों से पैसे उठा लिए। उन लोगों ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो उनकी जान को खतरा है। देखो जी आप, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें वो मिस्ट्री डांसर के बारे में हमें बताना होगा। ओके लुक बॉस, थैंक यू वेरी मच, हम जा रहे हैं। लेट्स गो। मैं तुम्हें मिस्ट्री डांसर के बारे में सब कुछ बताऊंगी।